हेलो इंडिया, आप सभी को फिर से स्वागत है दोस्तों आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है नवाखई, तो सबसे पहले आप सभी को नवाखई की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो नवाखई बोलने से मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं कि नवाखई क्या को बोलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में बहुत इसको मानते हैं, और जो किसान है भाई लोग हैं वही लोग मानते हैं, प्लस ये वाला उड़ीसा में भी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। जो कि ये नवाखई है, ये हमारे खेत में जो धान फसल होता है उसको हम लोग पूजा करते हैं, और उसका जो पहला वाला आता है धान तो उसको हम लोग ला के घर में पूजा करते हैं, और उसको हम लोग पूरे गांव वाले पूरे परिवार वाले सब साथ में मिलकर एक साथ खाते हैं उसको, और तो उसी को हम लोग नवाखई बोलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही सालों से परंपरा चले आ रहा है ये वाला दोस्तों। तो आई होप कि इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो ये वाला त्यौहार पूरे गांव वाला मिलकर ही बनाते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, शायद ही ऐसा कुछ कोई गांव में देखने के लिए मिलेगा। तो लास्ट में जो तक जो ब्लॉग में बने रहोगे तो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। तो बिना स्किप के ब्लॉग को लास्ट तक देखिए और इन्जॉय कीजिए आज का ब्लॉग। तो जो भी हमारे चैनल में नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल अकाउंट को दबा दीजिए ताकि हमारा ब्लॉग आप लोगों के साथ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोगों को देखने के लिए मिले। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं, अब नवाखई की तैयारी क्या क्या हो रहा है नीचे की ओर, तो देखते हैं क्या क्या तैयारी हो चुका ना और क्या क्या बन चुका ना, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा खाना बनने वाला है जो कि बहुत दिनों बाद मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि बाहर में मैं रहता हूँ तो ज़्यादा इतना खाने के लिए नहीं मिलता, बस एक ही सब्जी में अपना मन को शांत करना पड़ता है। लेकिन आज रहेगा लगभग 10-20 तो सब्जी रहेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि सब परिवार वाले साथ में मिल के बैठ के खाते हैं एक साथ। सबसे बड़ी बात, एक साथ खाते हैं सब परिवार वाले मिलके एक साथ। तो आई होप कि आप लोगों को भी देखने के लिए मजा आएगा और हम लोगों को भी खाने में मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या क्या हो चुका है। मैं ये ऊपर में हूँ क्योंकि नीचे में बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है, क्योंकि सब मम्मी लोग चाची लोग सब बैठे हुए हैं, दीदी लोग भी सब बैठे हुए हैं और सब्जी वब्जी काट रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नवाखई का, इसलिए मैं ऊपर आ गया था। तो नीचे में बहुत ही ज्यादा हल्ला हो रहा है क्योंकि जान ही तेरे हो कि कैसे सब्जी वब्जी काटते समय कैसे बात बात होते रहता है, तो बहुत ही ज्यादा आवाज आ रहता है, इसलिए मैं ऊपर आ गया हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे की ओर, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या तैयारी हो चुका है नवाखई का। तो चलिए चलते हैं अब नीचे की ओर। तो देख सकते हैं दोस्तों, नीचे मैं आ चुका हूं और कैसे सब्जी वब्जी यहां पे कटाई चल रहा है दोस्तों, कुछ आधा कटाई ख़त्म हो गया ना, कुछ आधा चल रहा है अभी भी। तो देख सकते हैं ये हमारे यहां दादी छत्ती को कर रही थी साफ सफाई, तो और देख सकते हैं कैसे हरा हरा पत्ते से दोना पत्ता बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग आज नवाखई खाएंगे, तो नवा नवा पत्ता में नवा नवा खाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज नवाखे के उपलक्ष्य पर हमारे अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष पूरा बलद बनाते हुए, जो कि मिट्टी से आज पूजा करेंगे उसको बना के, तो हमारे अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष सब कुछ जानते हैं, तो कुछ भी बनाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इनके पास, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का। तो देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है अभी, और ये देख सकते हैं सब्जी बन के तैयार हो चुका है। मसाला बहुत ही स्वादिष्ट पनीर का ये सब्जी है, जो कि मेरा भाई कैलाश आके आज बनाया है। हाय। और देख सकते हैं ये चूल्हा जो कि हमारे यहाँ है, हमारे गांव में बस एक ही चूल्हा ऐसा वाला है पूरे गाँव में, शायद पूरे छत्तीसगढ़ में ही हो सकता है ऐसा चूल्हा, और कहीं दूसरे यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। और देख सकते हैं कुछ सब्जी कट के यहाँ पे रखा हुआ है, और अभी तो कुछ बन के तैयार हो चुका है और कुछ बन रहा है और कुछ बनने जा रहा है। तो चलिए अब नहा के आते हैं, फिर देखते हैं क्या बन चुका है क्या नहीं, फिर लास्ट में और एक बार दिखाऊंगा। तो मुंह में पानी आ चुका है ना मेरे, तो चलिए मैं जल्दी से नहा के आता हूँ, फिर जल्दी से खाएंगे
और आज बहन लोग भी राखी बांधेंगे हम लोगों को, जो कि उस टाइम राखी के टाइम नहीं बंधवाए थे क्योंकि बाढ़ आ गया था। तो अभी हम लोग सब राखी कब भी मनाएंगे, तो चलिए नहा के आते हैं जल्दी से। और ये देख सकते हैं राखी बांधने के बाद सब तरफ पूजा पाठ चालू हो चुका था, जो कि सबसे पहले हम लोग अपने घर में ही जो अंदर में रहता है मंदिर, उसमें पूजा किए। देख सकते हैं सब वहाँ पे नवाब चढ़ाए हैं, पूजा किए, आरती किए सब तरफ। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा अंदर का मंदिर है। और गाड़ी को पूजा करते हैं दोस्तों, हम लोग सब अपने घर के मोटरसाइकिल लोगों को पूजा कर रहे थे सकते हैं। और अभी मैं हमारे फोर व्हीलर जो कि ट्रैक्टर किसान का अनुमान शान होते हैं, उसको पूजा करने आया हूँ, मतलब नवा देने। तो चलिए इसको भी देते हैं नवा, पूजा वाट कर देते हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों नवा हम लोग अपने गाय लोगों को खिलाते हैं, जो कि हम लोगों के खाने से पहले खिलाते हैं उन लोगों को। तो देख सकते हैं कैसे हमारा जो गाय है वो खा रहा है दोस्तों, और उसके बछड़ा को भी हम लोग खिलाते हैं, पूजा पाठ अच्छे से करते हैं और खिलाते हैं दोस्तों। क्योंकि गाय गौ माता जो कि बहुत ही शुभ होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको पालते हैं और इनकी सेवा करते हैं जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी हम लोगों से हो सके। तो आई होप कि आप लोग भी ऐसा करते होंगे। और ये देख सकते हैं सब सब्जी वगैरह तैयार हो चुका है और खाने के लिए तैयारी हो चुका है सब तरफ। तो देख सकते हैं अभी नवा दे रहे हैं, जो कि सबसे पहले परोसा जाता है उसी को। तो पहले नवा से ही शुरू करते हैं खाने का, क्योंकि जिस लिए ये नवा खाई माना जाता है वही मैन है नवा। तो देख सकते हैं यही है दोस्तों वो नवा, जो धान रहता है, धान गुड़ को मिक्स करके बनाया जाता है ये वाला। ये घर वाले स्पेशल मम्मी लोग बनाने जानते हैं इसको। तो आई होप कि आप लोग भी जानते होंगे कि आप लोग ऐसे खाए हो कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अभी सब तरफ परोसा जा रहा है, तो देख सकते हैं मिठाई उठाई भजियाँ पूरी सब तरफ सब आ चुका ना। तो बने रहिए ब्लॉग में और इंजॉय को दिए। और चलिए अब खाने को लिए शुरू करते हैं, क्योंकि अब मुंह में भी पानी आ चुका है मिठाई देख के, सब सब्जी का स्टैंड देख के। तो चलिए चलते हैं अब सीधा शुरू करते हैं खाने के लिए।
सब्र का फल मीठा होता है, खाने के बाद मीठा सब्र का फल मीठा होता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का खाना हो चुका है और आप लोगों को जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो टाइम आ चुका है। तो फिलहाल अभी हम लोग अपने गांव के मंदिर को पूजा करते हैं, वहाँ पे माथा टेक के शाम आगे फिर चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ जो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाना चाहता था, और इस ब्लॉग का सबसे बड़ा खासियत बात वही है। तो चलिए अभी हमारे गाँव का मंदिर जो कि बहुत ही पुराना है तो वहाँ पे अपना अब हम माथा टेकते हैं और चलते हैं आगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है शिव जी की मंदिर जो कि हमारे घर के सामने ही स्थित है। बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर। श्री राम मंदिर जो कि हमारे यहाँ का सबसे बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है, और हमारे आसपास में ये एक मंदिर है जो राम मंदिर है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पुराना वाला मंदिर। जय श्री राम। तो दोस्तों इस ब्लॉग का सबसे मेन पार्ट यही वाला है दोस्तों, मैं खास करके आप लोगों को इस ब्लॉग में यही दिखाना चाहता था। दोस्तों देख सकते हैं आज के दिन में हम लोग अपने गांव वालों से, अपने से बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, सबका पैर छूते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ही पहले से परम्परा चलते आ रहे हैं और आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेगा। तो क्या आपके गाँव में भी ऐसा होता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और इन्जॉय कीजिए आज का ब्लॉग। जय श्री राम, जय जय श्री राम, देवा हो देवा। पवन उड़, कबूतर उड़, सगवा उड़, मरवा उड़, रूपा उड़, पछा के दाम रहते हैं, राखी उड़। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अरे बहुत दोस्तों देख सकते हैं हम लोग अभी जा रहे हैं और एक वहाँ पे वहाँ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं दोस्तों। तो कल तो गए थे आरती में, लेकिन आज भी जा रहे हैं दोस्तों वहीं पे, क्योंकि आज है नवा थे तो वहाँ का आशीर्वाद लेना जरूरी था। तो देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति को कैसे सजाया गया है। तो जय श्री गणेश। Thank you.
तो फ्रेंड अभी शाम भी बहुत ही अच्छा गया, तो अभी कीर्तन वीर्तन भी नाच रहे हैं, तो उसको मैं पूरा डालूंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही मिलेंगे। आई होप कि आज का नवाखेई स्पेशल ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जाते जाते और एक बार नवाखेई जोहार। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।